हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नया लेसन लेकर, बिहार बोर्ड के इंग्लिश का। नाम है इसका एक्सेप्टेंस स्पीच। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप इसके वर्ड के मीनिंग्स को लिखेंगे और उसके बाद मैं इसको पढ़ाऊँगा ताकि बातें समझ में आए। तो चलो शुरू करते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है ग्रहण करना या स्वीकार करना। स्पीच का मतलब भाषण। तो एक्सेप्टेंस स्पीच का मतलब हुआ कि वह स्पीच जब किसी चीज़ को स्वीकार करते समय या लेते समय भाषण दिया जाता है। यह ऑंग सन सू की के द्वारा लिखा गया है। यही इसकी लेखिका है। आगे बढ़ते हैं, पहले वर्ड का मीनिंग लिखेंगे। आप लोग भी अपने बुक में लिख लीजिए, पेंसिल से चाहे कॉपी में, कॉपी खोल लीजिए और उसमें लिखिए नोटबुक में। बॉर्न का मतलब हुआ होता है जन्म हुआ। बियर से बना है बॉर्न। बियर मीन्स जन्म होना, बॉर्न मीन्स पैदा हुए। रंगून नाम है, बर्मा की राजधानी है। प्रो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र, या आप कह सकते हैं लोकतंत्र। एक्टिविस्ट का मतलब जो समाज सेवी होता है उसको एक्टिविस्ट कहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट, जो हमेशा एक्टिविटी, कोई ना कोई सोशल एक्टिविटी करते रहता है। लीडर मतलब नेता या नेत्री है। और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा या नाम है बर्मा की उस पार्टी का जिसकी ये नेता या नेत्री थी। सी ओन, ओन जो है विन से बना हुआ है। विन का मतलब होता है जीतना, ओन का मतलब जीत गई। द राफ्टो प्राइस एंड सकरो प्राइस, ये दो इनाम इनको मिला वो दिया गया है। फ्रीडम ऑफ थॉट मतलब विचारों की स्वतंत्रता। फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता और थॉट का मतलब विचार। बुक में भी आप पेंसिल से लिख सकते हैं या आप अपने नोटबुक में इन शब्दों का मीनिंग लिख सकते हैं। फ्रीडम है, फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता और थॉट का मतलब विचार। बुक में पेंसिल से लिखेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। पेंसिल से बुक में लिखेंगे तो ज़्यादा आसान होगा क्योंकि वो वर्ड वहाँ लिखा हुआ है, केवल आपको उसका मीनिंग लिख लेना है। नोबेल पीस प्राइज का मतलब होता है नोबेल शांति पुरस्कार। द एक्सेप्टेंस स्पीच मतलब ये स्वीकारोक्ति भाषण। गिवन हेयर वॉज डिलीवर्ड ऑन बिहाफ ऑफ, डिलीवर्ड मतलब देना, दिया जाना। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब की ओर से। डिलीवर्ड का मतलब होता है देना और ऑन बिहाफ ऑफ मतलब की ओर से चाहे के तरफ से। एलेक्जेंडर एरिस उनके बेटे का नाम है। ऑन द ओकेजन, ओकेजन का मतलब अवसर। अवार्ड का मतलब इनाम पुरस्कार। ओस्लो जगह का नाम है और दिसंबर 1991। तो सबसे पहले चलिए ऑंग सन सू की के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि वर्ड मीनिंग आपने यहाँ तक लिख लिया। लिखता है कि ऑंग सन सू की बॉर्न ऑन 19 जून 1945 इन रंगून इज अ प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट एंड लीडर ऑफ द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा। मतलब ऑंग सन सू की, इनका जन्म 19 जून 1945 को बर्मा में हुआ था और वो जो थी एक प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थी, मतलब प्रजातांत्रिक एक्टिविस्ट कह सकते हैं, या बर्मा में जब डेमोक्रेसी जब हुआ था उसके पहले से ही ये एक समाज सेवी, साथ ही साथ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा जो पार्टी थी उसकी ये नेत्री थी। सी ओन द राफ्टो प्राइज एंड सकरो प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट इन 1990। 1990 में उनको दो प्राइज या दो इनाम जीती, जो कि राफ्टो प्राइज और सकरो प्राइज है, ये दो प्राइज उनको मिले। एंड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991, और 1991 में उनको नोबेल पीस प्राइज मतलब नोबेल शांति पुरस्कार मिला, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, जिसको आप नोबेल पुरस्कार कहते हैं या नोबेल प्राइज कहते हैं। द एक्सेप्टेंस स्पीच मतलब यह स्वीकार भाषण, या कोई चीज़ ग्रहण करते समय, इनाम ग्रहण करते समय जो भाषण होता है उसी को एक्सेप्टेंस स्पीच कहते हैं। तो यह स्पीच गिवन हेयर वॉज डिलीवर्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑंग सन सू की, मतलब यह भाषण जो यहाँ डिलीवर किया गया या दिया गया, यह ऑंग सन सू की के बिहाफ में मतलब उनके तरफ से उनके बेटे अलेक्जेंडर एरिस के द्वारा दिया गया। कब? ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड ऑफ नोबेल पीस प्राइज इन ओस्लो, मतलब ओस्लो में नोबेल पीस प्राइज देने के का जो अवसर था उस अवसर पर यह भाषण उनके द्वारा दिया गया। कब? तो दिसंबर 10, 1991, मतलब 10 दिसंबर 1991 को यह भाषण नोबेल पीस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के अवसर पर
उनके बेटे अलेक्जेंडर एरिस के द्वारा ओंग सान सू की के बिहाफ में या ओंग सान सू की के तरफ से यह एक्सेप्टेंस स्पीच दिया गया। ये बात क्लियर हुआ। तो ये था ओंग सान सू की के बारे में, जो बर्मा की रहने वाली हैं और बर्मा में ही पैदा हुई, बर्मा में 1945 में पैदा हुई, बर्मा में डेमोक्रेसी लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, और इनके बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ एक ग्रुप एक्टिविटी दिया हुआ है, कहता है कि वॉक इन ए स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस द फॉलोइंग। एक स्मॉल ग्रुप में मतलब एक छोटा सा ग्रुप बना लीजिए, आप दो जन चार जन का एक ग्रुप बनाइए और उसमें इन चीज़ों का डिस्कशन कीजिए, मतलब इस पर चर्चा कीजिए। किस बिंदु पर चर्चा करनी है? सपोज यू आर गिविन द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड एट योर स्कूल फंक्शन। बेस्ट स्टूडेंट मतलब मान लो, सपोज मतलब मान लो आपको आपके स्कूल फंक्शन में आपको बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मतलब सबसे अच्छा विद्यार्थी होने का पुरस्कार दिया गया हो। व्हाट वुड यू स्पीक ऑन द ओकेजन? तो आप उस ओकेजन पे, उस अवसर पे क्या बोलोगे? ओकेजन का मतलब अवसर, साथ साथ लिखते भी चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओकेजन का मतलब अवसर, स्पेलिंग यहाँ दिया हुआ है, बुक से भी आप देख सकते हैं। अगर बुक आप पढ़ रहे हैं तो आपके सामने है OCCASION, ओकेजन का मतलब अवसर। फंक्शन तो सब आदमी जानता है, फंक्शन कोई भी प्रोग्राम फंक्शन जो होता है। तो व्हाट पॉइंट्स वुड यू इंक्लूड इन योर स्पीच? पॉइंट्स का मतलब बिंदु, कौन से बिंदु आप अपने भाषण में शामिल करेंगे? इंक्लूड का मतलब शामिल करना। व्हाट पॉइंट्स वुड यू इंक्लूड इन योर स्पीच मतलब कौन से बिंदु आप शामिल करेंगे? इंक्लूड का मतलब शामिल करना इन योर स्पीच, कौन से बिंदु आप अपने भाषण में शामिल करेंगे। आइए तो चलते हैं, अब टेक्स्ट को शुरू करते हैं। टेक्स्ट है, योर मजेस्टीज, योर एक्सीलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन। जब हम संबोधित करते हैं तो ऑन, जैसे हम लोग बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं तो कहते हैं ऑनरेबल प्रिंसिपल, ऑनरेबल डायरेक्टर, इस तरह से अंग्रेजी में जब भाषण शुरू करते हैं, चाहे रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, चाहे इन सारे वर्ड से शुरू करते हैं। या मजेस्टीज और एक्सीलेंसीज, ये बहुत ज़्यादा सम्मान देने वाले शब्द हैं। ऐसे महाराज राजाओं के लिए मैजिस्ट्रीज का इस्तेमाल किया जाता था। आज भी कोर्ट में जैसे जजों के, जजेज जो होते हैं उनके लिए एक्सीलेंसीज और मजिस्ट्रीज का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा जब सम्मान दिया जाना हो तो मजिस्ट्रीज और एक्सीलेंसीज शब्द का इस्तेमाल होता है। तो इन्होंने कहा अपने एड्रेस में, मतलब संबोधन में, योर मजिस्ट्रीज, योर एक्सीलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, मतलब जितने भी सम्माननीय, महासम्माननीय या अति सम्माननीय लोग हैं, चाहे लेडीज और जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, जैसे कि अमिताभ बच्चन बोलते हैं देवियों और सज्जनों, तो ये लेडीज़ का मतलब उन देवियों के लिए, स्त्रियों के लिए, और जेंटलमैन पुरुषों के लिए। ये संबोधन है उनका, भाषण का शुरुआत है। कहते हैं आई स्टैंड बिफोर यू मतलब मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ, यहाँ, हेयर मीन्स यहाँ, टूडे टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर, मैं अपनी माँ के तरफ से आज स्वीकार करने के लिए खड़ा हूँ। अब क्या स्वीकार करने के लिए खड़ा हूँ? तो ऑंग सान सू की, मदर ऑंग सान सू की, दिस ग्रेटेस्ट प्राइज, द नोबल प्राइज फॉर पीस। अब पूरे लाइन का मतलब समझते हैं कि मैं यहाँ अपनी माँ ऑंग सान सू की के तरफ से यहाँ आप सबके समक्ष यह सबसे बड़ा पुरस्कार, जो कि नोबेल प्राइज है, नोबेल शांति पुरस्कार है, उसको लेने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, या उसको ग्रहण करने के लिए मैं खड़ा हूँ। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। बिकॉज सर्कमस्टांसेस डू नॉट परमिट माई मदर टू बी हेयर इन पर्सन। सर्कमस्टांसेस का मतलब परिस्थितियाँ, बिकॉज का मतलब क्योंकि जानते हैं, परमिट का मतलब अलाउ करना या अनुमति देना, क्योंकि परिस्थितियाँ मेरी माँ को अलाउ नहीं करती हैं या परमिट नहीं करती हैं या इजाज़त नहीं करती हैं टू बी हेयर इन पर्सन, मतलब व्यक्तिगत रूप से मेरी माँ को यहाँ आने के लिए परिस्थितियाँ अलाउ नहीं करती हैं, या ये उनकी जो परिस्थितियाँ हैं उनको इजाज़त नहीं देती हैं। आई विल डू माई बेस्ट टू कन्वे द सेंटिमेंट्स आई बिलीव सी वुड एक्सप्रेस। कहते हैं, या फिर मीनिंग एक बार देख लीजिए, कन्वे का मतलब होता है किसी के बात को रखना, मतलब किसी के मैसेज को आगे बढ़ाना, कन्वे करना। सेंटीमेंट्स का मतलब भावना, बिलीव का मतलब विश्वास करना, एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना। फिर एक बार सुन लीजिए, कन्वे का मतलब, तो लेट अस सी, कहते हैं कि आई विल डू माई बेस्ट टू कन्वे द सेंटीमेंट्स आई बिलीव सी वुड एक्सप्रेस, मतलब मैं अपना सबसे अच्छा करूँगा
मतलब जो जैसा कि मैं विश्वास रखता हूँ, या जैसा कि मुझे विश्वास है कि जो वो एक्सप्रेस यहाँ करती है, जो बात वो व्यक्त करती या कहती है, अगर वो फिजिकली यहाँ प्रेजेंट रहती है, और जो बात वो व्यक्त करती, उसी बात को मुझे पूरा विश्वास है कि मैं भी अपना सबसे अच्छा प्रयास करूँगा उन बातों को व्यक्त करने का। नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, दिस इज 49 पेज नंबर। पेज नंबर 49 में हम लोग आते हैं। इसमें फर्स्टली आई नो दैट शी वुड बिगिन बाई सेइंग दैट शी एक्सेप्ट द नोबेल प्राइज फॉर पीस नॉट इन हर ओन नेम बट इन द नेम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा। फर्स्टली का मतलब सबसे पहले, फर्स्टली मीन सबसे पहले, फर्स्ट से बना है फर्स्टली, सबसे पहले। आई नो, मैं जानता हूँ दैट कि शी वुड बिगिन बाई सेइंग, वह शुरू करती क्या कहकर, वह यह कहकर शुरू करती दैट सी एक्सेप्ट द नोबेल प्राइज, कि उन्हें यह नोबेल प्राइज स्वीकार है, फॉर पीस मतलब शांति के लिए यह नोबेल प्राइज स्वीकार है, नॉट इन हर ओन नेम, वो केवल अपने नेम नाम के लिए नहीं, बट इन द नेम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा, अपितु बर्मा के सभी लोगों के नाम से या बर्मा के सभी लोगों के तरफ से ये नोबेल पीस प्राइज उनको स्वीकार है। कहते हैं कि सबसे पहले मैं यह जानता हूँ कि वह यह बात कहती है कि मुझे यह स्वीकार है, या नोबेल पीस प्राइज यानी वो नोबेल शांति पुरस्कार मुझे स्वीकार है, केवल मैं अपने नाम पर नहीं बल्कि बर्मा के सभी लोगों के नाम पर यह मुझे स्वीकार है। आगे है, शी वुड से दैट दिस प्राइज बिलोंग्स नॉट टू हर बट ऑल दोज मेन वुमेन चिल्ड्रेन हु इवन एज आई स्पीक कंटिन्यू टू सेक्रीफाइस देयर वेल बींग देयर फ्रीडम their lives in pursuit of a democratic Burma। फिर इसके वर्ड मीनिंग को देखिए, she would say मतलब वह कहती कि this prize मतलब यह इनाम belongs not to her, यह इनाम केवल उनका नहीं है but to all those men, बल्कि ये सब लोगों का है, उन सभी लोगों का है, पुरुषों का है, वुमेन स्त्रियों का है, एंड चिल्ड्रन और बच्चों का है, who even as I speak जैसा कि मैं भी बोलता हूँ continue to sacrifice their well-being, जो अपने वेल बींग को सेक्रीफाइस किया। वेल बींग का मतलब जो अपने सुख सुविधाओं को, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान करना, और वेल बींग का मतलब सुख सुविधा या शांति। वे बर्मीज मतलब बर्मा के वे लोग, बर्मा के वो पुरुष स्त्री और बच्चे जो अपने सुख सुविधा और शांति को सब सेक्रीफाइस किया, बलिदान किया, कौन सी चीज के लिए, देयर फ्रीडम, केवल इतना ही नहीं अपने स्वतंत्रता को, देयर लाइफ्स अपने जीवन को मतलब अपनी सुख शांति, अपनी स्वतंत्रता और अपना जीवन, फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता, लाइफ्स मतलब अपना जीवन, इन परसूट ऑफ डेमोक्रेटिक बर्मा मतलब प्रजातांत्रिक बर्मा को प्राप्त करने के लिए, प्रजातांत्रिक बर्मा से रिलेटेड जो भी बात थी उसको, प्रजातांत्रिक बर्मा से संबंधित जो भी बात थी उसको अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जिन पुरुषों स्त्रियों और बच्चों ने अपनी स्वतंत्रता, अपना जीवन, अपनी सुख सुविधा कुर्बान किया या बलिदान किया, उन सबको के लिए वो इस नोबेल पीस प्राइज को स्वीकार करती हैं, और ये सब इस पर सबका अधिकार है। आगे है, देयर्स इज द प्राइज एंड देयर्स विल बी द इवेंचुअल विक्ट्री इन बर्माज लॉन्ग स्ट्रगल फॉर पीस फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। देयर्स इज द प्राइज, यहाँ देयर्स प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है, पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में। Theirs is the prize, मतलब यह prize उनका है, and theirs will be the eventual victory, और उनका ही यह अंतिम जीत होगी। Victory का मतलब विजय, 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 victory means विजय, eventual means परिणाम स्वरूप, मतलब ये परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप उनकी जीत है। In Burma's long struggle for peace, जो बर्मा के लंबी बर्मा की शांति के लिए, स्वतंत्रता के लिए और प्रजातंत्र के लिए जो लंबी लड़ाई लड़े, ये बर्मा के बर्मा की जो लंबी लड़ाई हुई, जो कौन सी इसके लिए, शांति, स्वतंत्रता और डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र के लिए, बर्मा के लिए जो उनकी लंबी लड़ाई थी, ये उनकी जीत है। आगे है, स्पीकिंग एज हर सन मतलब उनके बेटे के रूप में बोलते हुए, हाउ एवर मतलब यद्यपि, आई वुड एड मैं यह जोड़ता हूँ जोड़ूंगा दैट आई पर्सनली बिलीव दैट बाई हर ओन डेडिकेशन, डेडिकेशन का मतलब यह समर्पण,
एंड पर्सनल सेक्रीफाइस सी हैज कम टू बी अ वर्दी सिंबल थ्रू हुम द प्लाइट ऑफ ऑल पीपल ऑफ बर्मा मे बी रिकॉग्नाइज्ड। ये अलेक्जेंडर एरिस कह रहे हैं स्पीकिंग एज हर सन, मतलब उनके बेटे के रूप में बोलते हुए। यद्यपि आई वुड एड, मैं इस बात को जोड़ूंगा कि आई पर्सनली बिलीव, मैं पर्सनली मतलब अपने खुद मैं ये विश्वास रखता हूँ कि बाई हर ओन डेडिकेशन, कि वो अपने समर्पण से एंड पर्सनल सेक्रीफाइस और खुद के बलिदान देने से सी हैज़ कम टू बी अ वर्दी सिंबल, वह एक वर्दी सिंबल बन गई, एक प्रतीक बन गई। वर्दी का मतलब योग्य, वर्दी का मतलब यहाँ योग्य कहेंगे, वह एक योग्य प्रतीक बनी थ्रू हुम, मतलब जिनके द्वारा द प्लाइट ऑफ ऑल पीपल ऑफ बर्मा में बी रिकग्नाइज, मतलब जिनके द्वारा बर्मा के सभी लोगों के दुखों को पहचाना जा सकता है। अब चलिए एक लाइन में इसको समझते हैं। कहते हैं कि उनके बेटे के रूप में, यद्यपि मैं इस बात को जोड़ूंगा या जोड़ता हूँ कि मैं पर्सनली मैं खुद इस बात को विश्वास करता हूँ कि उन्होंने अपने समर्पण और खुद के सेक्रीफाइस से इतनी योग्य और सक्षम प्रतीक बन गई हैं कि वे मतलब थ्रू द होम, मतलब जिनके द्वारा प्लाइट ऑफ द पीपल ऑफ बर्मा, मतलब बर्मा के लोगों के दुखों को देखा जा सकता है या पहचाना जा सकता है। मतलब आज उनकी माता आंग सान सू की बर्मा के दुख, लोगों के दुख का प्रतीक बन गई है अपने सेक्रीफाइस, अपने बलिदान और अपने समर्पण के कारण। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगला लाइन। एंड नो वन मस्ट अंडरएस्ट मेट दैट प्लाइट, और no one must underestimate that plight, the plight of those in the countryside and towns। कह रहे हैं कि यह जो plight है the and no one must underestimate that plight, और यह दर्द जो है मतलब कोई भी इसको underestimate नहीं कर सकता है। underestimate है, underestimate नहीं, underestimate मतलब कोई भी इस दर्द को और दुख को कम नहीं आंक सकता है। द प्लाइट ऑफ दोज इन द कंट्री साइड एंड टाउन्स, मतलब उन लोगों का दर्द और दुख जो गाँव में रहते हैं या और शहरों में रहते हैं, लिविंग इन पॉवर्टी गरीबी में रहते हैं, एंड डिस्टिट्यूशन दोज इन प्रिजन, वो जो प्रिजन में रहते हैं मतलब जेल में रहते हैं, बैटर्ड एंड टॉर्चर्ड जिनको पीटा जाता है या तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है, उन सबका दुख। द प्लाइट ऑफ द यंग पीपल, मतलब युवा लोगों का दर्द। द होप ऑफ बर्मा, वर्मा की उम्मीद। द डाइंग ऑफ मलेरिया इन जंगल्स टू विच दे हैव फ्लेड, मतलब वे लोग जो जंगलों में भाग करके गए, टू विच दे हैव फ्लेड, जंगलों में भाग करके गए और मलेरिया से मरे, उनका दर्द। दैट ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स, मतलब जो बुद्धिस्ट मुनि है, संत है, उनका दर्द। बीटन डिजोनर्ड, जिन्हें पीटा गया और उन्हें उनका सम्मान, उनको अपमानित किया गया, उनका सम्मान छीना गया। नॉर शुड वी फॉरगेट दैट मेनी सीनियर एंड हाईली रिस्पेक्टेड लीडर्स बिसाइड्स माय मदर हु आर ऑल इनकर्सरेटेड, मतलब हम लोग नॉर शुड वी फॉरगेट, मैं हम लोग उनको भी नहीं भूलेंगे, उन सीनियर जो वरीय नेता थे, जो हाईली रिस्पेक्टेड बहुत ज़्यादा जो आदर किए जाने वाले नेता थे, बिसाइड्स माई मदर जो मेरे माँ के साथ थे, हु ऑल आर इन अकर्सरेटेड, जिन सबको परेशान किया गया, तंग किया गया, टॉर्चर किया गया। इट इज़ ऑन देयर बिहाफ, उन सबके बिहाफ में, उन सबकी ओर से, दैट आई थैंक यू, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, फ्रॉम माई हार्ट, अपने दिल से, उन सबके ओर से, मतलब जो भी जिनको भी ये दर्द मिला उन सबकी ओर से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, फॉर दिस सुप्रीम ऑनर, मतलब इस सबसे बड़े सम्मान के लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। द बर्मीज पीपल कैन टूडे होल्ड देयर हेड्स अ लिटिल हायर, आज बर्मा के लोग अपने सिर को कुछ ऊपर उठा सकते हैं या ऊपर अपने सिर को उठाकर घूम सकते हैं, इन द नॉलेज, मतलब यह जानकारी, इस जानकारी में चाहे इस ज्ञान में, दैट इन दिस फार डिस्टेंट लैंड, कि इस दूरस्थ देश में, मतलब बहुत दूर देश में, देयर सफरिंग हैज़ बीन हर्ड एंड हीडेड, उनके सफरिंग को, मतलब सफरिंग मतलब कष्ट, उनके कष्ट को हैज़ बीन हर्ड, मतलब सुना गया, एंड हीडेड मतलब ध्यान दिया गया, मतलब बर्मा के लोग आज इस बात को जानकर अपने सिर को गर्व से ऊपर उठाएंगे, क्योंकि इतने दूरस्थ देश में उनके कष्ट को, सफरिंग को सुना गया और
ध्यान भी दिया गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया, इसके बाद दूसरे क्लिप में हम लोग आगे वाला देखेंगे। क्वेश्चन आंसर्स है वो आप आराम से इसको मिला सकते हैं, जैसे ट्रू फॉल्स है ये सही है कि नहीं है, तो ट्रू फॉल्स आप जैसे जो पढ़ाया गया उसमें देखेंगे कि उनको कब मिला। एक्सेप्टेंस स्पीच वॉज डिलीवर्ड ऑन 10th September 1991। कब ये डिलीवर किया गया, पहले इसमें दिया गया है ना, तो नोबेल पीस प्राइज 1991 में ये दिया गया, यहाँ दिसंबर है ना, दिसंबर 10, 1991, और इसमें लिखता है September 10, 1991, तो इसलिए ये फॉल्स है। पहला क्वेश्चन जो है ये फॉल्स है, मतलब गलत है। आगे है, ऑन द ओकेजन ऑफ अवार्ड ऑफ द नोबेल पीस प्राइज इन ओस्लो अलेक्जेंडर एरिस मेड ए स्पीच। हाँ, तो ये तो सही है, क्योंकि जो नोबेल पीस प्राइज ओस्लो में दिया जा रहा था, तो अलेक्जेंडर एरिस जो उनके बेटे थे, उन्होंने यह स्पीच डिलीवर किया था। ये सही है, अलेक्जेंडर एरिस इज वन ऑफ द ब्रदर्स ऑफ ऑंग सॉन्ग सू की। अब कह रहा है कि अलेक्जेंडर एरिस ऑंग सॉन्ग सू की के भाइयों में से एक थे, तो ये तो एक है, तो ये तो गलत है, उनके बेटे हैं ये। आगे है, अलेक्जेंडर एरिस थैंक्ड फ्रॉम हिज हार्ट फॉर दिस ऑनर, मतलब इस सम्मान के लिए अलेक्जेंडर एरिस अपने हृदय से सबको धन्यवाद दिए, तो ये सही है। तो इस तरह से ट्रू फॉल्स हम लोगों ने किया, और बाकी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।